पूर्व भारत में बिहार नू मिथिलांचल आजकल गुनेगारों माटे सुरक्षित आश्रय स्थान बनी रह्यू छे। काश्मीर में सुरक्षा दलों ना पहरा ने कारणे आतंकवादियों मिथिलांचल में आवीने छुपाय छे। भारत नेपाल सरहदे मोटी संख्या में थई रहेली धरपकड़ो आ विस्तार की अशांति ने छती करे छे। हुमला पछी जूज आतंकवादियों पोलिस नी पकड़ में आवे छे। सरकार नी लापरवाही ने कारणे आतंकवादियों नो भारत सीमा में आवी रहेल अस्खलित प्रवाह चिंता नो विषय बन्यो छे। जो अढ़ाई साल से जेल में है, मधुबनी जेल में, उससे मिलने के लिए आए हैं। हम नेपाल के धुमसा जिला ठिल्ला गांव पंचायत वार्ड नंबर 5 के रहने वाले हैं। हमारे पास नेपाल की नागरिकता है, पिताजी का नागरिकता है, माताजी का है, जमीन के कागजात हैं सब। कोर्ट वाले ने बोला था लेके आओ तो तुमको जो है ना बेटा वापस किया जाएगा नेपाल का। तो कागज लेके आए हैं, आज का तारीख था, आज आए हैं तो बैठे हुए थे। पुलिस वाले ने, वो मुंशी ने हमसे पैसा मांगा 300 रुपया, दो तो हमारे पास नहीं था, हम बैठे हुए थे कोर्ट के आगे, तो साहब लोग आए हैं तो ये लेके आ गए मुझे यहाँ। थोड़ा वर्षों पहला बे युवकों ने लेने दरभंगा चर्चा नु केंद्र बन्यू हतु। आ बे युवकों ना नाम जम्मो खान अने फजलू रहमान हता अने तेमना पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम नी नजीक होवानो आरोप हतो। जहां तक नेपाल से निकटता का प्रश्न है भौगोलिक रूप से, तो ये तो निश्चित रूप से निर्वाचित सत्य है कि नेपाल की निकटता के कारण लोगों को इस जगह आने में कहीं ना कहीं सहूलियत होती होगी। तो बिल्कुल इसको बंद कर, बॉर्डर को सील करके कम्प्लीटली आइसोलेट कर देना भी संभव नहीं है। बॉर्डर तो पूरा सील रहेगा। अब इस लिमिटेशन के माँ को मानते हुए किस तरह हम अपने सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, किस तरह पुलिसिंग को अच्छा करेंगे ताकि आसूचना संकलन में सुविधा रहे, पब्लिक में जागरूकता हो, ऐसे तत्वों पर समाज के लोग निगरानी रखे और उसकी सूचना पुलिस को दें। ताजेतर में थयेली धरपकड़े फरी एक बार दरभंगा ने चर्चा नु केंद्र बनाव्यु छे। मोहम्मद कफील नामना आ व्यक्ति पर बेंगलोर ना चिन्नास्वामी स्टेडियम में थयेला धड़ाका में संडोवणी नो आरोप छे। ब्यूरो रिपोर्ट, VTV।